नमस्कार, मैं नेहा त्यागी यूथ वीरांगना सोसाइटी से। महिलाओं का हमारे समाज में कितना अधिक योगदान है यह तो हम सभी जानते हैं। उनके बिना समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को जीवन में हर एक स्तर पर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्तर फिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर पारिवारिक ही क्यों ना हो। इस हिंसा को रोकने के लिए हर साल 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 दिन के कैंपेन का आयोजन किया जाता है जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। इस कैंपेन में लोगों को महिला हिंसा रोकने के प्रति जागरूक किया जाता है। तो जागरूकता की इसी कड़ी में जुड़ रही है आज हमारी ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे उन सभी लीगल फैक्ट्स के बारे में जिसकी जानकारी हर फीमेल को होनी चाहिए। यह जरूरी जानकारी देने के लिए आज जुड़ रही हैं हमारे साथ एडवोकेट सुरभि। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं उनसे। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जब हम महिला हिंसा की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा में किस तरीके की हिंसा की बात की जाती है? देखिए, घरेलू हिंसा में हर की बात होती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो या सेक्सुअल हो, हर तरह का अब्यूज इसमें आता है। और इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया, जिसके तहत कोई भी महिला पुलिस में अपनी कंप्लेंट करवा सकती है। तो हम कंप्लेन करने के लिए क्या मैरिड होना जरूरी है? मैरिड फीमेल ही कंप्लेन कर सकती है? जी नहीं, ये कोई जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसका मैरिड होना जरूरी है। कोई भी फीमेल जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर की चार दीवारी में, वो कंप्लेन कर सकती है, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो या लिव इन में हो। देखा जाता है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते, पुलिस के पास जाने से हिचकिचाती हैं, तो ऐसे में उनके पास और कौन से ऑप्शंस होते हैं? देखिए, जो महिलाएं पुलिस के सामने रिपोर्ट करने में अनकंफर्टेबल फील करती हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू कंप्लेन करवा सकती हैं, या वो डायरेक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन फाइल कर सकती है, कंप्लेन दे सकती हैं। अगर वो खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपीयर हो सके, तो उसके भी हाफ पर उसका कोई वेल विशर या कोई रिटन कंप्लेंट मूव कर सकते हैं। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं इसलिए भी अपने खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रहता है कि उन्हें उसी घर में रहना है, तो उन्हें एक दिमाग में रहता है कि हमें इसी घर में रहना है, अपने ही इन-लॉज, अपने ही हस्बैंड के खिलाफ अगर हम शिकायत करेंगे तो बाद में जाके कहीं परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में कानूनी मदद लेना कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर अगर हम कहें वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू सिक्योर रेजिडेंस। कोर्ट राइट ग्रांट करता है रेजिडेंस ऑर्डर पास करके कि जो महिला जिसने शिकायत दर्ज करवाई है अपने घर वालों के खिलाफ, तो चाहे उस महिला का उस घर में कोई राइट हो या ना हो, टाइटल हो या ना हो, फिर भी कोर्ट के ऑर्डर्स अगर रेजिडेंस ऑर्डर कोर्ट देता है तो महिला सेफली उस घर में रह सकती है बिना किसी अब्यूज के, और उसको उस घर से निकाला नहीं जा सकता। जी, और कॉम्पनसेशन कोर्ट ग्रांट कर सकती है, जैसे मॉनिटरी कॉम्पनसेशन हो या कस्टडी टू हैव चिल्ड्रन, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब चीजें क्लेम की जाती है। तो अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो क्या इसके लिए डाइवोर्स लेना जरूरी है? नहीं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एक्ट के अंडर कि डाइवोर्स लेना जरूरी है। बिना डाइवोर्स की पिटीशन के भी आप मेंटेनेंस की पिटीशन मूव कर सकते हैं। जी, जो बात घरेलू हिंसा की होती है, घर में जो महिलाओं के साथ जो यातनाएं होते हैं, उत्पीड़न होता है, तो उसमें बहुत बड़ा कारण जो सामने आता है वो है दहेज प्रथा। दहेज के लिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है।
तो ऐसे में इस चीज के खिलाफ उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, बहुत से कानूनी प्रावधान है, उनमें से अगर हम कुछ मेन लॉज की बात करें तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दहेज लेना और तो ये गैर कानूनी घोषित किया गया इसमें, और उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है आगे भी। इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड है, उसका सेक्शन 304B है, डॉरी डेथ को एक स्पेसिफिक क्राइम वहां पर घोषित किया गया है, उसके लिए सजा है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113A और B प्रिजम्पशन लेते हैं कि अगर शादी के 7 साल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मैरिज के लिए की हत्या हो जाती है या वो सुसाइड कर लेती है तो उसको माना जाएगा कि उसके हस्बैंड और रिलेटिव ने कोई क्रुएलिटी की है, तो माना जाएगा कि उन्होंने अबेट किया उस सुसाइड के लिए, इंस्टिगेट किया। और अगर कोई भी महिला है जिसके साथ क्रुएलिटी हो रही है, उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव इन लॉज उसके साथ क्रुएलिटी कर रहे हैं, तो सेक्शन 498A है ICC, तो वो इस सेक्शन इस चीज को एड्रेस करती है, इस क्रुएलिटी को। जैसे कि मैम आपने क्रुएलिटी का नाम लिया, तो क्रुएलिटी का मतलब क्या सिर्फ मारपीट से है? देखिए, क्रुएलिटी का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है, वो क्रुएलिटी का एक पार्ट है, फिजिकल क्रुएलिटी। इस सेक्शन में मेंटल क्रुएलिटी भी इंक्लूडेड है, कि अनरीजनेबल डिमांड्स प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, उन सब चीजों का फीमेल पर इतना दबाव बना देना कि या तो वो सुसाइड कर ले या खुद को किसी तरह का नुकसान पहुंचा लेती है, तो ये सब तरह की क्रुएलिटी सेक्शन 498A IPC के अंडर पिनलाइज है। जी, अभी जैसे कि हमारे देश में अब महिलाएं करियर को लेकर भी काफी आगे आने लगी हैं, तो बहुत सारी फीमेल जो है आज वर्किंग है, लेकिन उन्हें वर्क प्लेस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनके साथ गलत व्यवहार होता है, छेड़छाड़ होती है, सेक्सुअली हरास किया जाता है उनको, तो उससे बचाव के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, वर्क प्लेस पर फीमेल्स प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए 2013 में एक एक्ट पास किया गया। ये एक्ट ये मैंडेटरी करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है या ब्रांच है जहां पर एम्प्लॉयज की संख्या 10 से ज्यादा है, तो वहां पर एक इंटरनल कमिटी का होना जरूरी है, ताकि अगर किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ ऐसी किसी भी तरह की क्राइम होता है तो वो उस कमेटी को ये रिपोर्ट करवा सकती है। तो ये एक्ट इस चीज को मैंडेटरी बनाता है। तो जो फीमेल है उसको ये जो रिपोर्ट करनी होती है कमेटी को, वो कितने टाइम में करनी चाहिए, कितने टाइम में कर सकती है वो? देखिए, 3 महीने तक का टाइम होता है। अगर किसी फीमेल के साथ जब भी ये इंसिडेंट हुआ है तो उस डेट के 3 महीने के अंदर वो कभी भी रिटर्न कंप्लेंट कर सकती है, या अगर ऐसा है कि सीरीज में हो रहा है वो, कि बार बार उसके साथ वो क्राइम हो रहा है, तो वो लास्ट डेट जब उसके साथ लास्ट टाइम वो क्राइम हुआ उसके 3 महीने के अंदर वो फीमेल कभी भी रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है। इसके साथ ही वो फीमेल 354A IPC में पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है। जी, इसके अलावा भी और भी अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जिनका जिनको एक फीमेल फेस करती है, तो ऐसे में उससे बचाव के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं? देखिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं तो उससे बचाने के लिए लॉ में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की जाती है। अभी 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उस एक्ट में जैसे कि पहले 376 में जो रेप की पनिशमेंट थी उसको और स्ट्रिंजेंट किया गया। अब रेप की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक भी जा सकती है अगर जो विक्टिम है उसकी रेप के बाद डेथ हो जाती है, या कि वो वेजिटेटिव स्टेट में अगर विक्टिम चली जाती है तो डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है कि वो बार बार ये क्राइम करता ही करता है जब भी वो आता है, तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। और गैंग रेप जो है उसकी पनिशमेंट बढ़ाकर 20 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यानी कि 20 साल कठोर कारावास प्लस फाइन कर दिया गया है।
इसके साथ ही एक नए कुछ इन्होंने ऑफेंस डिफाइन किए, जैसे कि स्टॉकिंग। कई बार ये दिक्कत आती है कि उनको स्टॉक किया जाता है, उनकी ना के बावजूद उन्हें बार बार परेशान किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। तो ये स्टॉकिंग का ऑफेंस है जिसके लिए आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक मैंने अभी जिक्र किया 354A, इस तरह के काफी कानून है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के अधीन है। इसके अलावा एक और घिनौना अपराध है मैम जो हर साल बढ़ता जा रहा है, वो है एसिड अटैक। तो एसिड अटैक को रोकने के लिए हमारे जो संविधान में है कौन कौन से कानून दर्ज किए गए हैं? देखिए, एसिड अटैक को रोकने के लिए ये जो अमेंडमेंट की मैंने अभी बात की, इस अमेंडमेंट ने दो नए सेक्शन ऐड किए इंडियन पिनल कोड में, 326A और 326B। 326A ये डिफाइन करता है कि एसिड अगर किसी पर फेंका जाता है और उसको बहुत ग्रेवली इंजर हो जाता है, या उसकी मेन हो जाता है, या कोई बॉडी पार्ट उसका डिसेबल हो जाता है, या डेथ, तो इन सब चीजों के लिए करता है कम से कम 10 साल। और जो 326B है वो ये बताता है कि अगर अटेम्प्ट किया गया है एसिड थ्रो करने का किसी पर, उसके लिए कम से कम 5 साल होगा। इसी तरीके से 100 सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी पर कोई एसिड डाल रहा है, फेंकने जा रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर उसकी जान चली जाती है एक्यूजर की, तो ये मर्डर नहीं माना जाएगा। मतलब अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर उसकी जान ले लेते हैं खुद को बचाने के लिए, तो ये मर्डर नहीं है। तो ये काफी नए लॉज है एक्चुअली। जी, काफी हेल्पफुल रहेंगे जी। और इसके अलावा एक और चीज है, एक और यातना कहीं ना कहीं महिलाओं को झेलनी पड़ती है, प्री बर्थ एलिमिनेशन, यानी कि उनके जो बच्चे हैं, मतलब उनका पहले लिंग जांच करना जब वो गर्भवती होती हैं, और अगर बच्चा जो है वो लड़की होती है तो उसका गर्भपात करवा देना। तो इस चीज के खिलाफ, इस चीज को रोकने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान है? इस चीज को रोकने के लिए स्पेसिफिकली एक कानून लाया गया, PNDTF बोलते हैं उसे, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रिवेंशन एक्ट। कि ये जो आप जांच की बात कर रहे हैं, प्री नेटल डायग्नोस करवा लेना मेल है या फीमेल, ये इस चीज को इलीगल बनाता है। ये चीज नेचुरली वो डायग्नोसिस ही नहीं होता तो फिर फीमेल सुसाइड होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे क्राइम्स के लिए फीमेल के अगेंस्ट स्पेशली बहुत से लॉज हैं, पर काफी नए लॉज भी चल रहे हैं, लेकिन इन सबका फायदा तभी है कि अगर लोग अवेयर हैं, उन्हें पता चले कि उनके राइट क्या है, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो जस्टिस हो सके। और जिनको हमें इतनी समझ नहीं है एजुकेशन की कमी के कारण या ऐसा कुछ भी रीजन है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा फीमेल को अवेयर किया जाए, अवेयर किया जाना चाहिए जी, का नंबर कम ला सके या होपफुली खत्म कर सके जी। सो थैंक यू सो मच मैम टू गिव योर टाइम एंड सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो ये तो थी वो लीगल इंफॉर्मेशंस जिनके बारे में हर फीमेल को पता होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिसके बारे में हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की परवरिश करते समय बेटा और बेटी के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें। समान लाड़ प्यार, समान संस्कार, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में इक्वालिटी का ध्यान रखें। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बेटे को शर्माना सिखाने की बजाय उसको इतना बहादुर बनाए कि वक्त पड़ने पर अगर कोई उसको गलत कमेंट करे, गलत निगाह से देखे, तो वह तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके और आगे होने वाली किसी अनहोनी से बचा जा सके। सेल्फ डिफेंस क्लासेस, सेल्फ डिफेंस आज के समय की बहुत बड़ी मांग है, तो सेल्फ डिफेंस क्लासेस हर फीमेल को लेनी चाहिए ताकि समय पड़ने पर
इन टेक्निक्स का इस्तेमाल खुद की सुरक्षा के लिए किया जा सके। इसके अलावा महिलाओं को चाहिए कि वह अपने अधिकार में बने हुए जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल कभी भी ना करें, हमेशा सही लाभ उठाएं। लड़कियों को चाहिए कि वह किसी के भी बहकावे में, किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। जागरूक रहे, जागरूक बने, ताकि हमारा समाज महिला हिंसा मुक्त हो सके। धन्यवाद। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Virangnai. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Virangnai. For any queries, reach out to youthvirangnai2010@gmail.com or www.youthvirangnai.org. Thank you.